दिल्ली के कंजावला में हुई दर्दनाक घटना ने राजधानी की कानून व्यवस्था को एक बार फिर से ठेंगा दिखा दिया है। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी के साथ राजधानी दिल्ली एक बार फिर से शर्मसार हो गई है। आपको बता दें कि 31 दिसंबर की रात जब पूरा देश जश्न के माहौल में था, 2023 का स्वागत लोग कर रहे थे, तभी कंजावला इलाके में 5 मनचलो लड़कों ने मिलकर एक लड़की को चलती कार से 12 किलोमीटर घसीट दिया, जिसके बाद उस लड़की की दर्दनाक मौत हो गई। क्या राजधानी दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित है? क्या आज भी महिलाएं अपने आप को राजधानी दिल्ली के अंदर असुरक्षित मान रही हैं? इन तमाम तरह के सवाल हैं और इन सवालों को जानने के लिए आज हम कुछ महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नाम क्या आपका? गीतांजलि सिंह। अच्छा, दिल्ली में आप अपने आप को सुरक्षित मानती हैं कि नहीं? ऑफ कोर्स नॉट, आई थिंक मैं नहीं, आई एम नॉट वन ऑफ देम। जो बहुत सारी लड़कियां हैं वो भी अपने आप को दिल्ली में सेफ नहीं मानती, क्योंकि कभी भी ऐसा हुआ नहीं। आप कभी भी किसी भी न्यूज़ चैनल को या किसी भी न्यूज़पेपर को उठा के देख लीजिए, कहीं ना कहीं एक ऐसी घटना आपको इजीली मिल जाएगी जहाँ पे किसी लड़की के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा। अगर हम छोड़ दें तो पंजावला की देख लीजिए आप, मतलब न्यू ईयर हुआ है, स्टार्ट हुआ है, उसके साथ में आपको एक बहुत बिग न्यूज़ मिलती है कि किसी लड़की के साथ इतना गलत हुआ है। जहाँ पे हमारी दिल्ली पुलिस पल्ला झाड़ने में लगी हुई थी, वो तो बात हम महिला आयोग को बोलेंगे। स्वाति जी है जो है उन्होंने थोड़ा सा प्रेशराइज किया, तो शायद उन्होंने कुछ चीजें बोलना शुरू किया है। हमारे गृहमंत्री जी ने आज उसकी रिपोर्ट मांगी, मैं भी शायद कल तक वो रिपोर्ट सबमिट भी हो जाए, तो हमें चीजों का पता चलेगा कि एक्चुअली में उस लड़की के साथ हुआ क्या था। अकॉर्डिंग टू द वॉइस के उन्होंने तो म्यूजिक इतना लाउड था कि पता ही नहीं चला। कैसे पॉसिबिलिटी है कि म्यूजिक आपका लाउड हो? आपको जब आप ड्राइव कर रहे होते हो ना, तो आपको फीलिंग होती है कि कुछ ना कुछ नीचे है या फिर कुछ ना कुछ होता है, लेकिन लड़कों के अकॉर्डिंग तो ऐसा कुछ था ही नहीं। तो ऑफकोर्स दिल्ली कहां से सेफ और कब सेफ थी? निर्भया कांड आपने सुना होगा, उसके बाद ये एक दर्दनाक घटना घटी है। सर, इसके बीच में बहुत नहीं, बहुत सारी घटनाएं घटी है। मैं ये आपसे, ये मेरा सवाल ये है कि आप लोग अपने आप को सुरक्षित यहाँ नहीं मानते? सर हम ही नहीं है, कोई भी नहीं होगा। आई थिंक अगर आप देखोगे हमारी दिल्ली में मोस्ट ऑफ, जैसे अभी सीजन आपका विंटर्स का है, अगर आप लेट होते हो तो हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके फोन्स आने शुरू होते हैं कि बेटा कहाँ पे हो, आप कब पहुँचने वाले हो, बस में हो तो ठीक हो या मेट्रो में हो या ठीक हो, क्योंकि मेट्रो फिर भी आपके एक सेफ जोन में आती है, वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर आप रोड पे आओ तो हर एक पेरेंट्स को डर होता है इन सब चीज़ों का कि आपकी बेटी के साथ कुछ गलत ना हो। तो दिल्ली आई थिंक हमें नहीं लगता कि कभी सेफ थी भी। कौन है इसके लिए जिम्मेवार? दिल्ली पुलिस बड़े बड़े दावे कर रही थी कि न्यू ईयर पे 16,000 जवान तैनात हैं सुरक्षा के लिए, कौन जिम्मेवार है, किसको जिम्मेवार मानते हैं? सर जिम्मेदार तो आई थिंक मैं पुलिस को भी नहीं बोल सकती, क्योंकि हमारा हेल्पिंग हैंड ही पुलिस है। अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है हम पुलिस को कॉल करें, कभी ऐसा हुआ नहीं कि पुलिस ने आके हमारी हेल्प ना की हो। अगर अकॉर्डिंग टू द दिल्ली पुलिस अगर उन्होंने 16,000 लगाए थे, लेकिन अगर ये केस हुआ है तो फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अगर दिल्ली पुलिस नहीं ले सकती, हमारी गवर्नमेंट नहीं ले सकती, ऑफकोर्स हम तो नहीं लेंगे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप ही निभाई है। अगर ये चीजें आप अपने आप क्लियर नहीं कर सकते तो आप किससे पूछना चाहेंगे? गवर्नमेंट पुलिस को बोलेगी, पुलिस गवर्नमेंट को बोलेगी, फिर हम किससे पूछें कि अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर किसकी है? दिल्ली के अकॉर्डिंग चाहे आप कितनी भी लगा लीजिए, अगर प्रॉब्लमेटिक ये चीजें हुई हैं खासकर एक लड़की के साथ में, जो ऑलरेडी दिल्ली पूरे वर्ल्ड में बहुत बदनाम है इन चीजों को लेके कि हमारी दिल्ली में सिक्योरिटी नहीं, इंडिया में सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योर नहीं है लड़कियां। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि किस तरीके की सजा मिलनी चाहिए? सर इससे पहले भी कई सारी चीजें हुई हैं, जैसे कि आप निर्भया केस में बोल सकते हैं, 7 जो वो लड़के थे, 6 या 7, बहुत प्रेशराइज करने के बाद 7 साल के बाद उनकी जो मदर थी उन्होंने लड़ाई फाइट की है, तब जाके उन लोगों को फांसी हुई थी। एक लड़की मर गई है, 4 लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उनके पेरेंट्स से जाके पूछे जिस लड़की के साथ ये हुआ है वो किस उसमें होंगे, इस टाइम पे किस प्रॉब्लम में होंगे या कितना उन्हें दुख हो रहा होगा। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? एक जान गई है, ऑफकोर्स एक जान गई है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? एक रेप के बाद या फिर एक इतनी बड़ी चीज़ के बाद एक लड़की की जो मेंटली जो टॉर्चर से वो निकलती है, आई डोंट थिंक सो। आप लड़के वो चीज़ें सोच भी नहीं सकते, तो आई थिंक कुछ ऐसा बहुत ठोस चीज़ें होनी चाहिए जो लड़का करने से पहले सोचे कि अगर किसी लड़की के साथ आप ऐसा कर रहे हो तो क्या हो सकता है। या फिर हमारे देश में उन चीज़ों को लेकर कोई डर है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये फर्स्ट ऐसा केस था जिसमें लड़कों को शायद फांसी हुई है, वरना इससे पहले बहुत रेप केस आए, किसी में कुछ हुआ ही नहीं किसी का। सबको पता आज नहीं तो कल बेल पे आप बाहर निकल जाओगे, छूट जाओगे, आराम से रहोगे। एक आखिरी सवाल है कि कितने बजे के बाद आपको फोन आ जाता है घर से कि आप घर आ जाइए? सर देखिए, हाँ 6:37 के जब अंधेरा होना शुरू होता है, पेरेंट्स को पता होता है टाइमिंग हमारे ये है, हम निकलने वाले ऑफिस से या फिर हम घर पहुंचने वाले होते हैं, तो जैसे उनका फर्स्ट ली तो होता है जैसे ही आप अपने ऑफिस से निकले हमें फोन कीजिए, मेट्रो लेते हैं, तो फोन कीजिए, मेट्रो से उतरने के बाद तो डेफिनेटली आपको फोन करना ही करना है कि हम रोड पे आ गए हैं, इतनी देर में हम घर पहुंचने वाले हैं। तो जब तक आप घर नहीं पहुंचे ना, कंटिन्यूअसली 2-3 फोन आ चुके होते हैं कि आप कहाँ पहुंचे, आप सेफ हैं या नहीं है। तो वो बहुत कॉमन चीजें हैं, सिर्फ मेरे साथ नहीं, आई थिंक दिल्ली में जितनी भी लड़कियां उन सबके साथ में भी ये केस सीन होंगे कि जब भी आप रोड पे होते हो तो उनके पेरेंट्स थोड़े से कंसर्न होते हैं कि आपके बेटे बच्चे ठीक हैं भी या नहीं। तो बहुत कॉमन है ये। ठीक, थैंक यू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सौमिता सिंह है। कंजावला में जो घटना घटी है इसके बारे में आपको पता है?
पता है, बिल्कुल पता है। न्यू ईयर की पहली शुरुआती हमारी ऐसी खबर से हुई है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये ऐसी एक चीज़ है जिसको नज़रअंदाज करना तो नामुमकिन ही है। एक लड़की बींग एक लड़की का मैं समझ सकती हूँ कि कितना मुश्किल होता है अपने घर से दूर रह के, क्योंकि मैं भी दिल्ली से नहीं हूँ, मैं भी राजस्थान से हूँ। और जैसे कि हम जानते हैं कि दिल्ली इज़ नोन एज अ वर्क कैपिटल एज वेल एज इट इज़ नोन एज अ रेप कैपिटल। तो यहाँ पे रहना, यहाँ पे काम करना, यहाँ पे सर्वाइव करना एक बहुत ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं भी राजस्थान से आई हूँ जहाँ पे लड़कियों का निकलना बहुत मुश्किल होता है, एक सिटी में निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे को तो बहुत दूर भेजा मेरे माँ बाप ने। तो उस केस में देखते हुए ये ज़रूर कहूँगी कि कोई लड़की के माँ बाप नहीं चाहते कि वो एक बार दिल्ली में आए और अपना रह के वहाँ पे जीवन यापन करे, क्योंकि उनका सबसे बड़ा डर होता है कि आज हमारी बेटी तो नहीं। अच्छा, घर से जब आप बाहर निकलती हैं, हाँ, दिल्ली की सड़कों पर या मार्केट जाती हैं, हाँ, कहीं भी जाती हैं, हाँ, तो सबसे अहम सवाल क्या होता है आपको सुरक्षा को लेकर, महिला सुरक्षा? महिला सुरक्षा तो देखिए पुलिस से ही हमें उम्मीद होती है। एक तो सेल्फ डिफेंस जिसे कहते हैं, हम खुद भी एक अंदर से डिफेंस अपने आप में हो ही जाता है। अब एक लड़की को मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ पुलिस ही सपोर्ट कर सकती है। सबसे पहले सेल्फ कॉन्शियस बहुत होना जरूरी है, कब आपके साथ क्या घटकना है वो कोई नहीं कह सकता। आपके से सिक्स सेंस काम करना बहुत जरूरी, खासकर एक लड़की वो भी दिल्ली में रहते हुए उसके सिक्स सेंस काम करना जरूरी है। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बीइंग अ गर्ल मैं ये समझ सकती हूँ कि कई बार ऐसे टच होते हैं, कई बार ऐसे आंखें होती हैं, कई बार ऐसे जेस्चर्स होते हैं जिनको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन आपको पता है कि वो गलत है। वो आप पब्लिकली नहीं बोल सकते लेकिन आपको पता है वो गलत है। तो हम 90% नज़रअंदाज करके चलते, 10% जब लगता है तब उसको मुंह आवाज उठा। लोगों को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं? सर, सजा की तो क्या ही बात करें, जो इस दरिंदगी तक पहुंच गया तो उनके लिए सजा कुछ नाम की चीज है ही नहीं। उनके लिए कोई सजा के नाम है ही नहीं। जब वो इस दरिंदगी तक पहुंच गया तो सजा वो होती है कि सजा लेने के बाद हम ये चीज दोबारा नहीं करेंगे। आप भी अपने पेरेंट्स को एक बार सॉरी बोलते हैं, कोई गलती करते बच्चे को सिखाते हैं कि हम सॉरी कर दीजिए, माफ कर दीजिए। सजा वही चीज होती है कि ये गलती की है तो मेरे को ये सजा मिली है, लेकिन उस चीज के बाद मैं ये चीज दोबारा नहीं करूंगा। तो ये चीज ऐसी तो है नहीं कि आप उनको माफ कर दें और सजा दे के दोबारा कर दें। तो ऐसी कोई सजा तो उम्मीद ही नहीं कर सकते। हाँ, एट दी एंड ऑफ डे जब कोई इंसाफ चाहिए तो डेफिनेटली टिल दैट का, जब उस लड़की की जान गई तो उनकी भी जानी चाहिए। वो कुछ दरिंदगी से 13 किलोमीटर गाड़ी के नीचे घसीटते हुए चली गई, कोई आसान बात है सर? नाम क्या आपका? पायल कुशवाहा। कहाँ रहती हैं आप? मैं दिल्ली में। अच्छा, आपको पता है कंजाबला में एक लड़की के साथ क्या हुआ? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, किस तरह की सजा की मांग करते हैं? सजा तो ये है कि आप उनको जो भी अभी जो भी विक्टिम है उन लोगों को पकड़ा जाए, उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए कि क्या चीज़ें हुई हैं, किस तरीके से, इस तरीके से कैसे हो सकता है। अगर किसी ने हिट भी कर दिया, आपसे कोई गलती हो गई है, तो आप उसको हेल्प कर दो ना वहाँ पे। इतना दूर तक घसीटते ले जाना और इतनी गंदी तरीके से बॉडी मिलना, बहुत ही ज़्यादा अनसेफ तरीके से चीज़ें हो रखी हैं। और दिल्ली में हम पुलिस को तो कुछ कह ही नहीं सकते, इतना सीसीटीवी कैमरा है, हर रेड लाइट पर सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं, कौन कंट्रोल कर रहा है उसको? उसमें वीडियोस आती हैं, पिक्चर्स आती हैं, सब बोलते हैं कि आप जाकर सीसीटीवी कैमरा देखो, उसमें सारी चीज़ देखो। तो पुलिस कंट्रोल क्या कर रही होती है उस टाइम, जब रात को इतनी सारी चीज़ें होती हैं, इतने बैरिकेटिंग होती है, इतनी सारी चीज़ें होती है। दिल्ली में बोला जाता है इतनी सारी चीज़ें हैं, बट इतनी दूर तक इतने डिस्टेंस में गर्ल को ऐसे घसीटते हुए लेके जा रहा है, किसी ने देखा ही नहीं, और उसमें जो लोग हैं उन्होंने भी नहीं देखा। निर्भया केस के बारे में आप जानती हैं? हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद ये दिल्ली में ऐसी घटना घटी है, आपको क्या लगता है कि एक महिला, एक लड़की अपने आप को दिल्ली में सुरक्षित नहीं मानती? नहीं, बिल्कुल ही नहीं मानते। अभी वो देख लीजिए, नॉर्मल भी अगर आप 9-10 बजे के बाद निकलते हो तो बहुत ज्यादा चीजें होती हैं। हम पुलिस के पास जाते हैं, आप दूसरों का छोड़ दीजिए, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसे हम कभी किसी काम से स्टडी के रिगार्डिंग या अपने करियर के रिगार्डिंग कहीं जा रहे हैं स्टडी करने के लिए, तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। 9-10 बजे के बाद आप निकल ही नहीं सकते। हमारे साथ खुद इतने इंसिडेंट होते हैं, मैं खुद अभी भी यहाँ आई हूँ तो स्कूटी राइड करके आई हूँ। अभी मुझे ये है कि मैं 6 बजे से पहले घर पहुँच जाऊँ, क्योंकि पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम होता है कि बच्चे बाहर है, टेंशन होता है, हम लोगों को खुद होता है। हम पुलिस वालों को ही जाकर बोलते हैं ट्रैफिक में ये हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो वो लोग इतना नहीं सुनते। अच्छा, आप कितने बजे के बाद सड़कों पर निकलना नहीं चाहती? 8-9 बजे, लास्ट 9 बजे के बाद हम नहीं निकलते, क्योंकि किसी भी रेड लाइट पे, किसी भी कहीं भी आप चले जाओ, बैरिकेडिंग होती है, पुलिस वाले साइड में खड़े होते हैं, उन्होंने बैरिकेडिंग लगाई रहती है। उन लोगों को कोई मतलब नहीं, कोई ट्रैफिक रूल्स तोड़ रहा है, कोई इंडिकेटर दे रहा है नहीं दे रहा है, कोई रॉन्ग साइड चला रहा है। न्यू ईयर पे इतने सारे केसेस आए हैं, कुछ सोशल मीडिया पे हैं, कुछ आए हैं, कुछ नहीं आए हैं, कोई मतलब नहीं है पुलिस वालों को कि कुछ करें। ऑल्दो कुछ कुछ केसेस के लिए करते हैं, कुछ कुछ गिने चुने केसेस होते हैं उनके लिए चीज़ें होती हैं, बट सारे केसेस के लिए नहीं होती हैं।
जो सोशल मीडिया पे आ गया उसके लिए न्यूज में भी आ जाता है तो उसको हाइप मिल जाता है, तो उसके लिए इन्वेस्टिगेट किया जाता है, अदरवाइज और चीजों के लिए तो कोई भी कार्रवाई होती ही नहीं है। अच्छा, आप जब घर से बाहर होती हैं तो कितने बजे के बाद आपके माता पिता परेशान हो जाते हैं कि जल्द घर आ जाए? जैसे अंधेरा होता है सर्दियों में 8-9 बजे के बाद हमारे पास फोन आने लग जाते हैं, ऑल्दो सर्दियों में तो जल्दी अंधेरा हो जाता है, बट उनको समझाना पड़ता है कि हमें काम है, हमें अपना करियर भी देखना है तो हमें बाहर जाना पड़ेगा, है ना। तो चीजें होती है, हम कॉल पे रहते हैं पेरेंट्स के साथ में, जब भी हम 8 बजे के बाद अगर कोई हम बाहर हैं तो हम अपने साथ साथ पेरेंट्स के साथ में हम कॉल पे रहते हैं या हम कैब करते हो तो हम उसका प्रॉपर लोकेशन वगैरह साइज कुछ चीजें ना शेयर करते हैं पेरेंट्स को, ताकि उनको ये लगे कि बच्चा सेफ है बाहर। तो आप उनको किस सजा की मांग करते हैं? उनको पकड़िए और उनको बहुत कड़ी सजा दीजिए जो हो सकता है कानून की तरफ से, ताकि वो आगे जो भी लड़के लोग हैं या जो भी है, गर्ल्स कर रहे हैं, बॉयज कर रहे हैं, कोई भी कर रहा है, उनको ये डर रहे कि हाँ कानून अगर हमारा कड़ी सजा दे रहा है तो वो आगे वो चीजें रिपीट ना हो। थैंक यू। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुषमा सोपती है। अच्छा। मैं यहाँ दिल्ली में रोहनी में रहती हूँ। अच्छा, ठीक है, रोहनी में रहती हैं। मेरा सवाल ये है कि कंजावला में जिस तरीके से एक लड़की के साथ दरिंदगी की गई है, इसे आप कैसे देखती हैं? क्या आप मानती हैं कि राजधानी दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। हम लड़कियों को इट मीन्स शाम को कहीं भेजना ही नहीं चाहिए। मैं तो हैरान हूँ कि गाड़ी के साथ वो लड़की लिपटती गई और इतना बुरा हाल। अगर वहां पुलिस होती, क्या ये लड़के इतनी दरिंदगी करते हैं वो लड़के जो उन्होंने करी है? हम कहां सुरक्षित है फिर? यहां तो कोई भी सेफ नहीं है यहां पे। तो कानून व्यवस्था बिल्कुल है ही नहीं, है ही नहीं। क्योंकि यहां पे राजधानी हो के, दिल्ली जैसे हमारी राजधानी हो के भी यहां पे जगह जगह इनको पुलिस तैनात करनी चाहिए, और 31 जनवरी को इतनी पुलिस थी यहां पे, तभी ये हाल हुआ है। आई एम वेरी मच शॉक्ड। किसको इसके लिए जिम्मेदार मानती है? जिम्मेदार एक तो देखो, आजकल के लड़के जो हैं, लड़के लड़कियां जो हैं, देखो सुनो, उनको यही नहीं पता कि उनके घर में भी माँ बेटियां हैं, तो लड़के भी रिस्पॉन्सिबल तो हैं ना। तो अब क्या हम क्या लड़कियों को बंद के 7 बजे के बाद बिठा लें घर में? यहाँ तो दिन में भी कुछ भी हो जाएगा, ये तो किसी के साथ कुछ भी हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम? कानून नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ पे। उस वक्त जब मामला ये नया नया होता है तो बड़ा गर्म होता है, तो सरकार भी बहुत बोलती है, उसके बाद ये मामला ठंडा हो जाता है, फिर एक लड़की के साथ नया केस होता है, फिर ये होता है, लेकिन बाद में कुछ नहीं होता उसका। लड़की गई, किसकी गई? माँ बाप की गई। उस माँ पे क्या बीत रही होगी, उस बाप पे क्या बीत रही होगी जिसके साथ हुआ है ये? आप सोच के देखो उस माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। किस तरीके की सजा की आप मांग करते हैं? मैं चाहती हूं कि उसको उसी वक्त फांसी की सजा देनी चाहिए, ताकि ये पांचों लड़के जो जितने लड़के हैं उनको उसी वक्त फांसी की सजा बिल्कुल होनी चाहिए, ताकि आगे से सबक मिल सके कि कोई भी लड़के लड़की के साथ ऐसा सलूक ना करे। उनके घर में क्या माँ बेटियां नहीं है? सबके घर में है, पर दूसरे की लड़की को भी अपना समझना चाहिए ना, उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, थैंक यू। आज भी दिल्ली की ज्यादातर महिलाएं अपने आप को राजधानी दिल्ली में सुरक्षित नहीं मानती हैं। आपको बता दें कि कंजावला की घटना ने राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था पर एक गहरे सवाल छोड़ गए। दिल्ली पुलिस के तरफ से तमाम तरह के वादे किए गए थे, न्यू ईयर सेलिब्रेशन को देखते हुए 16,000 जवानों की तैनाती की गई थी, लेकिन इस घटना ने उन दावों की पोल खोल कर रख दी है। अब इस पूरे घटना में गृह मंत्रालय की भी हस्तक्षेप हो गई है और गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से इस पूरी घटना की रिपोर्ट मांगी है। सवाल ये उठता है कि कब तक राजधानी ऐसे ही शर्मसार होती रहेगी? कब तक महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में नहीं रखा जाएगा? क्यों प्रशासन लाख दावे करती है और आखिर चूक कहाँ हो जाती है? पूरा देश जश्न मना रहा था, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर कुछ मनचलों ने एक बेटी को तड़पा तड़पा कर मार दिया। उस माँ से पूछिए कि आज उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, वो पिता क्या सोच रहा होगा। क्या यही राजधानी है? क्या हम इसी की कल्पना किए थे? क्योंकि सरकार और प्रशासन लाख दावे करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इस तरीके की घटना घटती है, ये अपने आप में एक अहम सवाल है कि आज भी नारी इस देश में अपने आप को सुरक्षित नहीं मानती है।
अगर राजधानी दिल्ली की ये हाल है तो और भी राज्यों का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा शायद आप लगा चुके होंगे।